आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की एक बेसिक नॉलेज हमने अपनी लास्ट क्लास में ली थी। आज हम ये पता करेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। हमारे जो समुच्चय हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने इसीलिए लिखा है नो एलिमेंट, मतलब कोई भी अवयव उसके अंदर नहीं है। रिक्त समुच्चय को हम फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, इवन फाई भी नहीं लिखते। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देंगे तो वो हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि वो एक अवयव फाई काउंट हो जाएगा। अगर आपको फाई लिखना है तो आप बिना ब्रैकेट के लिखोगे, अदरवाइज आप सिर्फ दो ब्रैकेट बना के छोड़ दोगे, ठीक है। हमारा जो रिक्त समुच्चय है उसका एक दूसरा नाम अद्वितीय समुच्चय भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ठीक। मतलब अगर हम ये बोलें कि हमारा कोई सेट है ए इज इक्वल टू, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वन लिखा है या फिर फाइव लिखा है, सिर्फ फाइव लिखा है, तो वो क्या होता है, एक ही एलिमेंट है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, या कोई वर्ड हो, सिंगल वर्ड है, तो वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय, जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें काउंटेबल नंबर या फाइनाइट नंबर या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जितने एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, मतलब उन एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंड है जो कि हमें पता है, तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि समुच्चय ए इज़ इक्वल टू वन से लेके हंड्रेड तक की इवन नंबर्स, सम संख्याएं, एक से लेके सौ तक की सम संख्याएं, तो ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि सौ तक की सम संख्याएं या हज़ार तक की सम संख्या हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनका एक ना एक एंड है। अब आते हैं हम अपरिमित समुच्चय पे। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई एंड नहीं है, वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते हैं, वन आफ्टर अनदर आते ही जाते हैं। जैसे कि कोई सेट है एन जिसके अंदर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो हमारा वन से ले वन टू थ्री फोर से लेके इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। आप जो भी नंबर लिखोगे उसमें जैसे ही वन प्लस करोगे तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, तो उसका कोई एंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है समान समुच्चय। आप समान समुच्चय सिर्फ एक समुच्चय से नहीं देख सकते, हम समान समुच्चय में हमारे पास दो समुच्चय होंगे। माना हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो ए और बी समान समुच्चय होंगे अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख रहे हो, ए इज़ इक्वल टू वन टू थ्री है और बी इज इक्वल टू टू थ्री वन है। इनका जो क्रम है वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको कल भी बताया था अवयव का क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स दोनों के सेम टू सेम है, काउंटिंग सेम है, एलिमेंट सेम है, तो ये क्या होगा, समान समुच्चय हो गए। अब आता है हमारा समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, जिसमें जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है उन दोनों के एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर ए में पांच एलिमेंट है तो बी में भी पांच एलिमेंट होने चाहिए। हो सकता है कि ए में वन टू थ्री फोर फाइव हो और बी में ए बी सी डी ई हो, तो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल। अब क्या है कि हमें ये जानना है कि एक समुच्चय है उस मतलब कोई समुच्चय ए गिवन है और उसमें जो अवयव है उस वो कितने होंगे, मतलब हमें एन ए की वैल्यू निकालनी है, तो समुच्चय की गणन संख्या, इसको हम समुच्चय की गणन संख्या भी बोलते हैं। किसी भी समुच्चय की गणन संख्या उस समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है, ए इज इक्वल टू वन टू थ्री है, तो इसकी गणन संख्या या फिर एन ए इज इक्वल टू थ्री होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।